इधर एनआईए की टीम एक्शन में है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जगहों पर एजेंसी ने नक्सलियों से जुड़े कई लोगों के यहां छापेमारी की। देश विरोधी साजिश रचने वालों के खिलाफ एनआईए की टीम ने यूपी के कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए की टीम नक्सल गैंग से जुड़े लोगों की तलाश के लिए बलिया पहुंची, 11 ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए की टीम विनोद कुमार के घर पहुंची और उसे पूछताछ की। आए चेक चाक करके मेरा मोबाइल ले लिए, सिम, मेमोरी कार्ड और के बोले क्या करते हैं। हमने सर हम 3 साल से वीडियो कैमरा चलाते हैं। वो बोले कि मुंबई गए थे। हमने कहा सर मुंबई अभी तक हम कहीं गए नहीं हैं। हम कलकत्ता रूलिंग इन पापा के साथ काम करते थे, लॉकडाउन हुआ उसके बाद हम आके अपना धंधा कैमरा के खोल लिए। 3 साल से वही करते हैं। विनोद को एक नोटिस देते हुए उसे 19 अप्रैल को लखनऊ के एनआईए दफ्तर में आने को कहा है। सब पेपर को लोग साइन कराए मेरे से। अब क्या लिखा था नहीं लिखा था पूछने पर लोग नहीं बताए। अब इतना तक पूछे करे सर ये बताइए कौन कंप्लेन किया है। बोल रहे थे कि हमको हम मालूम नहीं है, तुम जाना लखनऊ 19 तारीख को। वो लोग ये कागज दिए हैं, इसमें एड्रेस पता है। बोले 19 तारीख को लखनऊ जाना और वहीं आपको मालूम चलेगा कौन किया है कंप्लेन और किस किस चीज़ का मैटर है।